talks about Nick Walker out of top five. Who said Nick Walker's out of top five? You know what? You guys need to stop trying to stir up beef between athletes. It's very stupid and very shallow and low. Nick Walker is one of the best bodybuilders on the planet right now. He's ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बॉडीबिल्डिंग गुरु। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी अपडेट्स बॉडीबिल्डिंग की तरफ से बहुत ही ज़्यादा आ चुकी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज पाटिल की अपडेट के बारे में। तो गाइज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोज भाई इस टाइम अपने गैंग सीजन यानी अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। तो आज उन्होंने अपने इंस्टा पर 2-3 फोटोज शेयर करी थी, जिनमें हम इनकी रिसेंट फिजिक अपडेट को नोटिस कर सकते हैं। इस टाइम में कैसे नज़र आ रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे शेप में है। बात करें साइज़ के बारे में, तो गाइस साइज़ तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, पर बॉडी में सॉफ्टनेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये मुंबई प्रोस में कॉम्पीट करें, तब तक ये अपनी बॉडी को हार्ड कर लें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मनोज पाटिल भाई को क्वालिफाई करना है ओलंपिया के लिए, तो इस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स से बिल्कुल ही काम नहीं चलने वाला। इन्हें तगड़ी इम्प्रूवमेंट्स करके आनी होंगी, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे ओलंपिया के लिए। क्योंकि इस टाइम हम सभी जानते हैं, मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए कितना लेवल बढ़ चुका है मेंस फिजिक डिवीज़न का। तो गाइस, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। इनके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एक और इंडियन आईएबी प्रो बॉडी बिल्डर इमरान खान के बारे में। तो गाइस, इमरान भाई ने काफ़ी टाइम के बाद में अपना ये पोजिंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम इनकी रिसेंट अपडेट को देख पा रहे हैं। तो गाइस, इमरान भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छी फुलनेस के साथ और राउंडेड मसल के साथ इम्प्रेसिव शेप शो कर रहे हैं, और हार्डनेस भी काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है इनकी फिजिक के अंदर। बात करें यहाँ पर इनकी इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, तो डेफिनेटली इन्होंने यहाँ पर मसल मास एड ऑन किया है अपनी फिजिक के अंदर, जो हम इनकी शोल्डर एंड चेस्ट में क्लियर देख पा रहे हैं, और बैक में भी काफ़ी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट्स कर ली होंगी इन्होंने इस हिसाब से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इमरान भाई आने वाले प्रो शोज के अंदर धमाका करेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिया के लिए? देखते हैं, और यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इनके बाद हम बात कर लेते हैं अभिषेक यादव भाई के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभिषेक यादव भाई ने 365 दिन का बल्किंग सीजन स्टार्ट किया था, तो अब यह ख़त्म हो चुका है। और हम इस वीडियो में देख सकते हैं 365 दिन के बाद में यह पैकेज इन्होंने डिस्प्ले किया है। बात करें यहाँ इनकी फिजिक की इम्प्रूवमेंट्स के बारे में, तो गाइस इन्हें फ्रंट और बैक दोनों तरफ से देखकर नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ खास इम्प्रूवमेंट्स करी हैं। इनकी बॉडी में फैट होने के कारण इनका साइज़ थोड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, पर जो रियलिटी होगी हमें इनकी स्टेज पर ही नज़र आएंगी, क्योंकि इस टाइम लोग इन्हें बॉडी बिल्डर की बजाय इंस्टाग्राम वाला बॉडी बिल्डर कह रहे हैं। तो गाइस, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इनकी फिजिक कैसी रहेगी स्टेज पर, ये हमें दिसंबर वाले शो में पता चल जाएगी। इनके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा हंटर लिपराडा से। तो गाइस, हंटर इस बार कॉम्पीट करने वाले हैं इटली प्रो शो में, और इससे अब ये सिर्फ 13 डेज आउट हैं। तो ये है इनकी करंट फिजिक अपडेट, जिसमें हम देख ही पा रहे हैं हंटर बहुत ही अच्छे शेप में आ चुके हैं। फिजिक की हार्डनेस एंड फाइबर्स क्लियर विजिबल हो रहे हैं, और जो क्वार्ट्स में सेपरेशन हमें देखने को मिल रही है, भाई बहुत ही आँख है। लैट्स को भी हम देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लेयर आउट कर रहे हैं। बाइसेप्स की पीक में बहुत ही अच्छी राउंडनेस है, और फिजिक के अंदर एक्स फ्रेम बनकर आ रहा है, वो इनक्रेडिबल है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, हंटर लिब्राडा इस फिजिक के साथ जीत पाएंगे इटली प्रोसो को, कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ओपिनियन से तो भाई इन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी शो को जीतने में, इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिया के लिए। इनके बाद हम बात कर लेते हैं 212 मिस्टर ओलंपिया चैंपियन कियोन पियर्सन के बारे में। तो गाइस, कियोन पियर्सन इस बार डे बाई डे इम्प्रूव और डेंजर होते जा रहे हैं, और बहुत ही बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं सॉन क्लेडा के लिए। तो गाइस, इन्होंने अपने इंस्टा पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज हिट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि इतने दिन पहले ही कियोन की बॉडी में कितनी अच्छी हार्डनेस और फुलनेस आ चुकी है। तो गाइस, आप सभी ने देख ही लिया है कियोन पियर्सन की फिजिक इस टाइम कैसी नजर आ रही है। तो चलिए, इनके साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है सैमसन डोडा की तरफ से। तो गाइस, सैमसन ने अपने इंस्टा पर कियोन रखा था, जिसमें इनसे पूछा गया कि निक वॉकर टॉप 5 में आएंगे या फिर नहीं, तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, चलिए इनकी इस छोटी सी क्लिप को देख लेते हैं। About Nick Walker out of top five. Who said Nick Walker's out of top five? You know what? You guys need to stop trying to stir up beef between athletes. It's very stupid and very shallow and low. Nick Walker is one of the best bodybuilders on the planet right now. He's absolutely freaking unreal. And you had the nerve to actually try to tell him, predict where he's going to be based off what? Stop this staring shit, because I don't fall for it. I find it very stupid. So no.